आज का जो फैसला आया कोर्ट का उस केस में, नैब तरमीम केस में, वेरी क्विकली पीटीआई का मौकफ। देखिए, हमारा मौकफ तो बड़ा वाज़ेह था जी कि ये जो नैब तरामीम की थी, इन्होंने अपने केसेस सामने रख के नैब की तरामीम की। मसलन एक केस में इनका एक मुलजम था, पीएमएलएन का लीडर, उसका था कि कोई तकरीबन 85 या 86 उनके एग्रीड पर्सन से जिन्होंने पटिशन फाइल की थी। उन्होंने कहा जी, आप जिसका 100 नहीं होगा वो नैब जुरिस्डिक्शन नहीं लेगा। ठीक फिर इनके कई लोगों के खिलाफ पटिशन थी, प्रोसीडिंग्स थी और केसेस थे, रेफरेंसेस थे कि जनाब अगर 40 लाख है, 50 लाख है या 10 करोड़ से, 40 लाख करोड़ से ज़्यादा है या 50 करोड़ से कम है या 10 करोड़ से ज़्यादा है, इन्होंने 2-3 दफ़ा इसमें भी अमेंडमेंट किए हैं। पहले 10 करोड़ किया, फिर उसको 50 करोड़ कर दिया। मतलब इन्होंने अपने केसेस सामने रखे और फिर बेनामी को लेकर आए। फिर ये कहा कि जो बाहर से कोई आप लीगल हेल्प लेते हैं वो भी आपके लिए यहाँ हेल्पफुल नहीं होगी। फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि आप मिसयूज ऑफ पावर के साथ साथ आपने कोई पर्सनल गेन भी हासिल किया हो। फिर जो आपने इल गॉटन मनी ली है उसमें फिर ये भी साबित करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन साबित करेगी कि जनाब इसमें रिश्वत मौजूद है या इसमें इसने बेनिफिट पर्सनल लिया है, और वो ये जो पैसे हैं या जो एसेट्स हैं बियॉन्ड सोर्सेस, ये भी साबित करना पड़ेगा कि ये इल गॉटन मनी के हैं और इन्होंने रिश्वत के जरिए लिए हैं। ठीक बेसिकली इन्होंने 1100 अरब रुपए के मुकदमात अपने उनको ख़त्म करने के लिए ये नैब अमेंडमेंट लाए थे। और लेकिन लेकिन मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ, आज जो जज साहब की जो जजमेंट है, जजमेंट में पढ़े हैं तो वो ये कहा जाता है, बेंच ये कह रहा है कि जी एक्चुअली जो फंडामेंटल सवाल था वो ये था कि पार्लियामान के पास हक है लॉ बनाने का, ये पार्लियामान ने लॉ बनाया है और ये कोई प्रूव नहीं कर पाया कॉम्प्रिहेंसिवली कि दिस लॉ वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो ऑल ऑफ अस हैज टू रेस्पेक्ट इट। जी लेकिन जो इसके अंदर जो असल बात है, इन्होंने मुकदमात भी मंगवाए थे जो पिछली कोर्ट ने फैसला जी किया था बंदियाल साहब ने, कि किस बंदे के कितने मुकदमात हैं और उसके एलिगेशंस क्या हैं, ठीक सारी तफसील सामने ठीक आई ठीक थी। ठीक तो सिंपल ये है कि जो पर्सन स्पेसिफिक लॉ होता है, पार्लियामेंटेरियंस अगर अपने आप को बेनिफिट करने के लिए ऐसा कोई कानून बना दे, अगर फ़र्ज़ करें इतना सख्त कानून के होते हुए भी अगर इतनी करप्शन हो रही है या हो रही थी, तो फिर कानून अगर नरम करके तो फिर तो आपने खुली छूट दे दी। पिछले केस भी ख़त्म, आइंदा के लिए भी आपने रास्ता ठीक हमवार कर दिया, खाएं पिए और साइडलाइन हो जाएं। मतलब है कि अगर अपनी फैमिलीज के ठीक नाम रख दिया, किसी बेनामी के नाम रख दिया जिसको साबित नहीं कर सके, मुल्क से बाहर पैसा रख दिया, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग कितनी होती है, कितना एनीवे, पैसा बट जाता है। फंडामेंटली जो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने एक जजमेंट है वो हम उसको ऑनर करते हैं। क्विक टेक ऑन द जी जजमेंट, क्विक। बिल्कुल, जो जजमेंट है वो दैट इज़ बाइंडिंग एज पर आर्टिकल 189 और 187, हम सब पे बाइंडिंग है ठीक और उसको मानना पड़ेगा। सेकंडली, मतलब 5 जजेस ने ये जजमेंट दिया, और आप तो उसमें खुशी खुशी मानेंगे नहीं, इसमें देर आप एक्चुअली दे हैव टू प्रूव एनी खुशी मंजरिया और मैलिफाइड इंटेंशन। ठीक कोई क्या क्या इन्होंने कुछ साबित किया है कि ये जो पार्लियामेंट है, ठीक असल में इन्होंने तो कोशिश की कि पार्लियामेंट को और ज़्यादा नीचे अबतरी की तरफ, आप जो अभी लफ्ज़ बोल रही थी अबतरी की तरफ लेके जाया जाए। बेसिकली ऐसी बात नहीं है, जजेस ने जो पार्लियामेंट का काम है और सुप्रीम कोर्ट इज़ द जो प्रोडक्ट है वो इस आइन की है, और तो आइनी तौर पे सिर्फ ये इख्तियार ठीक पार्लियामेंट के पास है कि ठीक वो अमेंडमेंट कर सकती है, अच्छा कुछ भी कर जी सकती है। पलवेश्वर साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो जजमेंट आई है इसके बाद आप क्या कहेंगी कि डज इट मेक एनी डिफरेंस टू अकाउंटेबिलिटी इन दिस कंट्री, या आप कहेंगी कि ये इसका ताल्लुक था ही ना नहीं उससे? शुक्रिया नसीम साहिबा। देखिए, एक दो बातों पर तो एक हमारा नेशनल कंसेंसस है, और वो कंसेंसस ये है कि नैब को हमेशा जो है मुखालिफिन को दबाने के लिए, उनको उनकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए, उनको जलील करने के लिए, उनको जो है अपना बदला लेने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था तो हमने मुस्लिम लीग नून को ये तजवीज ही पेश की थी कि इस सिलसिले को खत्म किया जाए, लेकिन बहरहाल उस वक्त उनको ये बात समझ नहीं आई, बाद में ये अजदहा की तरह सबके गले में बारी बारी जो है लिपटा। बहरहाल अब बात यह है कि ये जो अभी पीटीआई का दौरे हुकूमत गुजरा, उसके आने से पहले तमाम जो जितना इनके इंतखाबी नारे थे, इनकी हर जलसा था, इनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनका ऊपर से लेके नीचे तक हर लेवल का जो वर्कर था या लीडर था वो एक ही बात कहता था कि करप्शन हुई है, करप्शन हुई है, मुल्क का पैसा चोरी किया है और हम आकर जो है वो पैसा रिकवर करें। आपने देखा कि जब ये आए हुकूमत में, काफी पेज भी एक था, तमाम ताकतें भी इनके साथ ही,
और किसी किस्म की इनको मुश्किल नहीं थी, और एक एक करके इन्होंने तमाम मुखालफीन को जेल में भी डाला, उनकी बहनों को भी नहीं छोड़ा, उनके घरों में भी घुसे। और नैब का जो एक उस जमाने में शर्मनाक किरदार था, आपको याद होगा, आप याद कीजिए कि ये हर अपनी प्रेस टॉक में कौम से खिताब में कहते थे कि एहतसाब होना है, करप्शन जो है उसका पैसा वापस लाना है। लेकिन एक कैरेक्टर थे शहजाद अकबर साहब, मेरे ख्याल में उनको उन्होंने भी अब इसका हिसाब भी करना चाहिए कि इस नेशनल एक्सचेकर के कौमी खजाने पे वो कितना बड़ा बोझ बने, वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने क्या क्या किया, कितने दावे किए, लेकिन इवेंचुअली आखिर में एक भी जो है ये रुपया नहीं निकाल सके। इन्होंने उसको भी इसी तरह इस्तेमाल किया जैसे इनसे पहले लोगों ने किया था। और नैब का जो उस जमाने का किरदार था उस पर तो बात करते हुए शर्म आती है। फिर एक शख्स थे मुराद सईद साहब, वो कहते थे हम बाहर से अरबों डॉलर लाएंगे, और जो है वो अरबों डॉलर फिर कहाँ गए, अल्लाह ने किया, वो खुद ही अभी उनका पता नहीं वो कहाँ है। बहरहाल ये सारी एक कमीशन भी बना, आपको याद है कि कर्जे कहाँ गए, इस पर भी कमीशन बना कि जो कर्जे लिए गए इस्तेमाल वो कर्जों की करप्शन में वो कहाँ चले गए, कहाँ खर्च हुए। मुझे सिर्फ उस कर्जे वाले कमीशन की रिपोर्ट अगर कोई दिखा दे तो लगेगा कुछ ना कुछ जो है सीरियसनेस थी। लेकिन उसके नतीजे में क्या निकला नसीर ज़हरा साहब, आप बताइए, सिवाय जो हमारा सियासी निजाम है उसके मुंह पे मजीद कालक मली गई, नैब को मजीद कमजोरी, एहतसाब को जनरली इस मुल्क में जो है